हेलो दोस्तों, आज हम पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में जानेंगे। आप अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं को देखते व उपयोग करते हैं। उनमें से हर वस्तु अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि कोई वस्तु पारदर्शी होती है, कोई वस्तु अपारदर्शी होती है और कोई वस्तु पारभासी होती है। पर आप कैसे जानेंगे कि कौन सी वस्तु क्या है, चलिए इसके बारे में जानें। पारदर्शी वस्तुएं, आप कांच के एक्वेरियम के माध्यम से मछली को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि यह प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने दे रहा है, इसलिए यह पारदर्शी है। ऐसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, जैसे कि पानी और साफ कांच। अपारदर्शी वस्तुएं, इस ईंट की दीवार को देखें, यह प्रकाश को गुजरने नहीं देती है। वैसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि ईंट और लकड़ी। पारभासी वस्तु, वैसे पदार्थ जिनसे आप आर पार तो देख सकते हैं पर स्पष्ट रूप से नहीं, इन वस्तुओं को पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कोहरे से ढका हुआ खिड़की का पैनल। चलिए एक बार फिर से देखें। पारदर्शी पदार्थ, जिस पदार्थ में से प्रकाश गुजर सके उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कांच, हवा और साफ पानी। अपारदर्शी पदार्थ, जिन पदार्थों में से प्रकाश ना गुजर सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इन वस्तुओं में से दूसरी ओर नहीं देखा जा सकता, जैसे कि कुर्सी, दीवार, ब्लैक बोर्ड, किताब इत्यादि। पारभासी पदार्थ, जिन पदार्थों में से देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट रूप में नहीं, उन पदार्थों को पारभासी कहते हैं, जैसे कि चिकना कागज, धुंधला कांच, मोम जामा आदि। अब आप पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।